गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास बने सर्किट हाउस का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। नई दिल्ली में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की मशाल मिलेगी राष्ट्रीय समर स्मारक की ज्योति की मशाल के साथ। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 4,04,450 मतदाताओं ने किया मताधिकार का प्रयोग। और देश में अब तक 160 करोड़ 43 लाख से अधिक लगाए गए कोविड रोधी टीके। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास बने सर्किट हाउस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि अलग अलग राज्यों से, देश और दुनिया के अलग अलग कोनों से सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने हर साल करीब करीब 1 करोड़ श्रद्धालु आते हैं। ये श्रद्धालु जब यहाँ से वापस जाते हैं तो अपने साथ कई नए अनुभव, कई नए विचार और एक नई सोच लेकर जाते हैं। पिछले कुछ समय से जिस तरह यहां एक के बाद एक विकास कार्य हो रहे हैं, ये सोमनाथ दादा की ही विशेष कृपा है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि सोमनाथ ट्रस्ट से जुड़ने के बाद मैं इतना कुछ होते हुए देख रहा हूं। कुछ महीने पहले यहां एग्जीबिशन गैलरी और प्रोमेनाड समेत कई विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ था। पार्वती मंदिर की आधारशिला भी रखी गई थी और आज सोमनाथ सर्किट हाउस का लोकार्पण भी हो रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि सोमनाथ को यात्रियों के लिए सर्व सुविधा युक्त बनाया जा रहा है। आज यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रुकने की अच्छी व्यवस्था हो रही है। सड़कों और ट्रांसपोर्ट की सुविधा बढ़ रही है। यहां बेहतर प्रोमेनाड विकसित किया गया है। पार्किंग सुविधा बनाई गई है। टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। साफ सफाई के लिए वेस्ट मैनेजमेंट की आधुनिक व्यवस्था भी की गई है। एक शानदार पिलग्रिम प्लाजा और कॉम्प्लेक्स का प्रस्ताव भी अपने अंतिम चरणों में है। पीएमओ के मुताबिक सर्किट हाउस को इस तरह से बनाया गया है कि इसके हर कमरे को सी फेसिंग रखा गया है, यानी सभी कमरों से समुद्र दिखता है। सोमनाथ मंदिर के आसपास कोई सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, ऐसे में यह सर्किट हाउस सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। सर्किट हाउस 30 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ है। इस सर्किट हाउस को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। यहाँ वीआईपी और डिलक्स कमरे भी उपलब्ध हैं, वहीं कॉन्फ्रेंस और ऑडिटोरियम हॉल भी हैं। नई दिल्ली में आज इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की मशाल को राष्ट्रीय समर स्मारक की ज्योति की मशाल के साथ मिला दिया जाएगा। विश्व युद्ध में प्राणों की आहुति देने वाले भारत ब्रिटेन के 70,000 सैनिकों के सम्मान में इंडिया गेट का उद्घाटन 1931 में किया गया था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद अमर जवान ज्योति स्थापित की गई थी। लंबी प्रतीक्षा के बाद इंडिया गेट परिसर में राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण किया गया और फरवरी 2019 में इसका उद्घाटन किया गया था। सरकारी सूत्रों के अनुसार अमर जवान ज्योति के बारे में भ्रामक सूचनाएं फैल रही हैं। अमर जवान ज्योति बुझाई नहीं जा रही है, इसे राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रज्वलित ज्योति के साथ मिलाया जा रहा है।
सूत्रों ने कहा है कि अमर जवान ज्योति पर 1971 और अन्य युद्धों के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है, लेकिन इन शहीदों के नाम वहां अंकित नहीं है। इंडिया गेट पर केवल कुछ शहीदों के नाम अंकित हैं जो प्रथम विश्व युद्ध और एंग्लो अफगान युद्ध में अंग्रेजों के लिए लड़े थे। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि 1971 और इसके पहले और बाद के युद्धों सहित युद्धों के सभी भारतीय शहीदों के नाम राष्ट्रीय समर स्मारक में अंकित कर दिए गए हैं, इसलिए वहां शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कल मतदान हुआ, जिसमें 4,04,450 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। औसतन 75% मतदाताओं ने मतदान किया। सबसे ज्यादा मतदान कोरिया जिले में 87.30% हुआ। वहीं बीजापुर में सबसे कम 40.03% मतदान हुआ। राजधानी रायपुर में 74.88% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं मुंगेली जिले में भी 63.86% लोगों ने मतदान किया। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चली, जिसमें ग्रामीण मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एसडीएम मेनका प्रधान ने बताया कि त्रिस्तरीय उप निर्वाचन के तहत लोरमी अनुभाग में 10 पंचों का निर्वाचन हुआ, जिसके अंतर्गत चकला में 6 पंचों का और मोहबंधा, मुछेल, बोरतरा कला, सारधा में 1-1 पंच के लिए मतदान किए गए। त्रिस्तरीय उप निर्वाचन में लोरमी अनुभाग अंतर्गत कुल 10 पंचों का निर्वाचन होना था, जिसके अंतर्गत चकला में 6 पंचों का चुनाव होना था और मोहबंधा, मुछेल, बोरतरा कला और सारधा में 1-1 पंच का, कुल 10 पंचों का चुनाव होना था। चुनाव प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें 878 में से 546 वोटर्स ने वोट किया है, 62.18% वोटिंग हुई है। साथ ही सरपंच पद के लिए जो निर्वाचन होना था उसमें खैरवारपुर, बिजराकापा और सिंहनपुरी में न्यायालय से स्थगन प्राप्त हो गया है। बंधवा और धनिया डोली में निर्विरोध निर्वाचन हुआ है और झिरिया ग्राम पंचायत के लिए कोई नामांकन प्राप्त नहीं होने से वहाँ निर्वाचन नहीं। एसडीएम ने बताया कि बंधवा और धनिया डोली में निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 160 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 70 लाख 49 हजार से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 93.5% है। पिछले 24 घंटों में 2,51,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 3,60,58,806 हो गई है। अब तक 9,692 ओमिक्रॉन के मामलों का पता चला है। इधर प्रदेश में 52,411 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 5,649 में संक्रमण की पुष्टि हुई। वर्तमान में प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 10.78% है। वहीं प्रदेश में 1,94,00,000 लोगों को पहला टीका लग चुका है। 18 वर्ष से अधिक आयु के 68% लोगों ने दोनों टीके लगवाए हैं। 55% से अधिक किशोरों को पहली डोज दी जा चुकी है। इसी तरह करीब 1,50,000 लोग प्रिकॉशन डोज ले चुके हैं। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में कोरोना पीड़ितों की मौत की संख्या में वृद्धि पर चिंता जताई है। कोरोना से आज राज्य में 15 लोगों की मृत्यु होने की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव को प्रत्येक डेथ का ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम और संक्रमितों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराए जाने को कहा है। संक्रमित मरीजों की स्वास्थ्यगत स्थिति को देखते हुए अस्पताल में भर्ती कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के स्वास्थ्य की सतत जानकारी लेने की पुख्ता व्यवस्था करने को कहा है। छत्तीसगढ़ में ऐसी अनेक प्राचीन विधाएं हैं जिन्हें लोग भूल चुके हैं और आज जिनका संरक्षण आवश्यक है। इन्हीं में से एक है मटपरई भित्ती चित्रकला। लुप्त प्राय इस प्राचीन चित्रकला को नई पीढ़ी के युवा इंजीनियर अभिषेक सपन ने जिंदा रखा है। दुर्ग जिले के ग्राम डूमरडीह का यह युवा मटपरई का बेजोड़ कलाकार है। इस कला के माध्यम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति, तीज त्योहार आदि की झलक देखने को मिलती है। मिट्टी और कागज को सड़ाकर यह कलाकृति बनाई जाती है। अभिषेक ने मटपरई चित्रकला के माध्यम से मांदरी नृत्य, सुआ नृत्य आदि करते लोगों की आकृतियां सहित ऐसी ढेरों आकृतियां गढ़ी हैं जिन्हें काफी सराहना मिल रही है। अभिषेक को यह कला विरासत में मिली है। अभिषेक का कहना है कि यह कला विलुप्त होने की कगार पर है और इसका संरक्षण बेहद जरूरी है।
मट यानी माटी होता है, परई मतलब कागज की लुगदी, और खल्ली को दोनों को सड़ाकर बनाया जाता है। मतलब मिट्टी, कागज और खल्ली तीनों के सम्मिश्रण से बनाई जाने वाली कलाकृति मट परई कहलाती। मट परई कला में हमारी जो बुजुर्ग लोग थे, नाना नाना नानी दादा दादी लोग, उन लोग सब बनाते थे, तो उन्हीं लोगों का मैं सीख के बनाना स्टार्ट किया हूँ स्कूल टाइम से। उसके बाद मैंने कॉलेज में, स्कूल में सब पार्टिसिपेट किया मटपरई चित्रकला के। और ये हमारी विलुप्त प्राय मटपरई कला है, जो अभी बहुत कम लोग, शायद कोई बनाता भी नहीं है कला को। तो मैंने इसको बोर्ड में और बहुत जगह बनाने की कोशिश की है। वहीं ग्राम की सरपंच चक्षु प्रभा ने भी अभिषेक की इस कला की सराहना की और इसे गांव के लिए गौरव का विषय बताया। मठ परई चित्रकला बहुत अच्छा चित्रकला है। पुराने जमाने में बड़े बुजुर्गों द्वारा बनाया जाता था, और तीज त्यौहार में इस कला के माध्यम से लोकंतियाँ गाई जाती थी। तो ये कला बहुत अच्छा है, और अभिषेक सपन के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से उसे विलुप्त हो गई उसको फिर से उकेरा जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, ये हमारे गांव के गौरव की बात है। अभिषेक को इस कला के लिए यूनिवर्सिटी स्तर पर भी अनेक बार सम्मानित किया जा चुका है। दर्शकों, केंद्र सरकार इन दिनों आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। 75 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान हम आजादी के जन नायकों से नई पीढ़ी को परिचित करा रहे हैं। आजादी के सफर में आज हम बात करेंगे क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के बारे में। आज हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक रास बिहारी बोस को। बोस का निधन 21 जनवरी 1945 को हुआ था। रास बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को वर्धमान में हुआ था। उन्होंने बंगाल विभाजन पर अंग्रेजों का पुरजोर विरोध किया था। अलीपुर षड्यंत्र के बाद 1909 में बोस देहरादून चले गए। देहरादून में वे क्रांतिकारियों के साथ काम करने लगे। इसी दौरान वे उत्तर प्रदेश और पंजाब के आर्य सामाजिक क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। दिल्ली में 23 दिसंबर 1912 को वॉयसराय हार्डिंग पर हमले के बाद अंग्रेज सरकार ने रास बिहारी को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। 1913 में बंगाल में आई बाढ़ के दौरान राहत कार्यों में रास बिहारी जुट गए। इसी दौरान वे मशहूर क्रांतिकारी बाघा जतिन के संपर्क में आए। इसके बाद बोस गदर आंदोलन के प्रमुख क्रांतिकारी बन गए। इस बीच अंग्रेज सरकार का दमन चक्र जारी रहा, जिसकी वजह से ज्यादातर क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन रास बिहारी ब्रिटिश खुफिया विभाग से बचने में सफल रहे और 1915 में जापान चले गए। जापान में बोस ने अयप्पन पिल्लई माधवन नायर के साथ मिलकर काम शुरू किया, और विदेशों में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समर्थन के लिए जापानी अधिकारियों को मनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1942 में बोस ने टोक्यो में वहां रह रहे भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। इसी सम्मेलन के दौरान इंडियन इंडिपेंडेंस लीग स्थापित करने का फैसला किया गया। बैंकॉक में लीग के दूसरे सम्मेलन में पारित प्रस्ताव में सुभाष चंद्र बोस से आंदोलन के नेता की जिम्मेदारी संभालने का आग्रह किया गया। लीग ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय कैदियों से आजाद हिंद फौज में भर्ती होने का आह्वान किया। कैप्टन मोहन सिंह और सरदार प्रीतम सिंह के साथ बोस ने 1 सितंबर 1942 को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे बाद में आजाद हिंद फौज के नाम से जाना गया। जापान सरकार ने बोस को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया। दुर्भाग्य से बोस को टीबी ने जकड़ लिया और 21 जनवरी 1945 को टोक्यो में उनका निधन हो गया। देश के इस महान सपूत को शत शत नमन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास बने सर्किट हाउस का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। नई दिल्ली में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की मशाल मिलेगी राष्ट्रीय समर स्मारक की ज्योति की मशाल के साथ। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 4,04,450 मतदाताओं ने किया मताधिकार का प्रयोग। और देश में अब तक 160 करोड़ 43 लाख से अधिक लगाए गए कोविड रोधी टीके। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।